अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू क्विट मोबाइल एडिक्शन। सो ये मैं सर्च भी किया और मैं सोच रहा था कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि सब व्यूवर्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो रिसर्च की सर्च के मुताबिक ये पता चला है कि जैसे ही एक इंसान किसी चीज़ का अडिक्ट होता है, फर्ज करें जैसे कोई इंसान ड्रग अडिक्ट है, तो सेम उसका असर अगर मोबाइल अडिक्ट होंगे तो हमारा असर और जो ड्रग अडिक्ट है उन दोनों के माइंड में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो आप ये मेरी वीडियो देखने के बाद किसी भी चीज़ के बारे में एडिक्ट होने के लिए सुबह जरूर सोचेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और अहम बात बताता हूँ, जिस तरह किसी ड्रग अडिक्ट मोबाइल अडिक्ट का दिमाग में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह हम किसी भी नेगेटिव चीज़ के ज़्यादा अडिक्ट होंगे तो वो हमें हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि किस वजह से होता है, ये क्यों होता है और इसका सोल्यूशन। आपने देखा होगा कि हम बार बार सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, लाइक फेसबुक, टिकटॉक, ईटीसी, कोई भी सोशल मीडिया आप ले सकते हैं। क्या कि इतना वक्त किताबों के साथ क्यों नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने खुद को सोशल मीडिया का और मोबाइल का अडिक्ट किया होता है। इसी तरह हम पोस्टें देखते जाते हैं, वीडियो को स्क्रॉल करते जाते हैं और हम बोर नहीं होते, जबकि हम रीडिंग करते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं तो हम बोर होने लगते हैं। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, एडिक्शन की वजह यह है कि हमारे माइंड में एक केमिकल रिलीज होता है और इस केमिकल का नाम है डोपामाइन। जब जब हम किसी चीज़ के अडिक्ट होते हैं, खुद को खुशी और सेटिस्फाई करने के लिए ये केमिकल उतना ही रिलीज होता रहता है और जितनी देर तक हम एडिक्ट रहते हैं ये केमिकल रिलीज होता रहता है। जब हम मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और वो कमाल की फीलिंग होती है। वो कमाल की फीलिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामाइन। यही फीलिंग दोबारा पाने के लिए हमारा दिमाग हमें फल की फीलिंग की वजह से हमारा दिमाग हमें वही काम करने पर मजबूर करता है जिसके लिए हम एडिक्ट हुए होते हैं। तो इसकी वजह यही है कि हमारे दिमाग में वो केमिकल रिलीज होता रहता है। हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, पोस्टें देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी ही फीलिंग आती है और हमें बहुत अच्छा फील होता है। यही वजह है कि हमारा माइंड हमें वो काम करने पर मजबूर करता रहता है। काम करते रहोगे जिसके आप एडिक्ट हैं तो वो केमिकल और रिलीज होता रहेगा, हमारा जो ब्रेन है हमें बार बार मजबूर करता रहेगा। इस तरह आप घंटों वक्त सोशल मीडिया पर गुजार देंगे और आपको पता तक भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, डोपामाइन केमिकल को हम डिज़ायर हार्मोन भी कहते हैं। रिलीज होता है, हमारा माइंड मोटिवेट होता रहता है और हमें वही काम करने पर मजबूर करता है जिसके हम एडिक्ट होते हैं, क्योंकि हम खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, हमारा ब्रेन हमको उसी तरह मजबूर करता रहता है। तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो काम हमें ज़्यादा जिस काम में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, हमारे जो ज़्यादा चांसेस होते हैं दोबारा उसी काम को करने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें जिस काम में मज़ा आता है हम ज़ाहिर सी बात है वही काम करेंगे। तो हमें उस काम में जिस काम में हमें ज़्यादा मज़ा आएगा हम ज़्यादा वही काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है हमारे लिए, क्यों बुरी है, क्योंकि अगर हम कोई नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अपनी पसंद का खाना खाना, क्रिकेट खेलना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप ले सकते हैं, उस फिजिकल एक्टिविटी के दरमियान हमारे माइंड में जो वो डोपामाइन केमिकल है वो नॉर्मल रूटीन में रिलीज़ होता है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। और इसी तरह अगर हम किसी चीज़ की एडिक्शन है तो वो डोपामाइन केमिकल उससे 5 गुना ज़्यादा असरअंदाज होता है और 5 गुना ज़्यादा रिलीज होता है, इतना ज़्यादा असरअंदाज भी होता है। तो इसका नुकसान बताता चलूँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इसका नुकसान बताता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह है कि अगर हम नॉर्मल रूटीन में कोई काम करते हैं तो उसके दरमियान हमारा नॉर्मल डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि नॉर्मल डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अगर हम कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी या कोई भी नॉर्मल काम करते हैं तो डोपामाइन केमिकल का रिलीज़ होना, नॉर्मल डोपामाइन केमिकल का रिलीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग हाई डोपामाइन का आदि हो चुका होता है। इस तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, अब देख लें, अगर कोई भी सिगरेट पीने वाला सिगरेट स्टार्ट करेगा तो वो स्टार्टिंग में 1 या 2 या 3 से स्टार्ट लेगा, लेकिन आस्ता आस्ता वो उसका आदि होता जाएगा, अडिक्ट होता जाएगा और वो ज़्यादा पीनी स्टार्ट कर देगा, 1 डब्बी 2 डब्बी इसी तरह वो इंक्रीज़ करता जाएगा। यही वजह है कि वो डोपामाइन रिलीज होता जाएगा और वो अडिक्ट होता जाएगा, क्योंकि उसको नॉर्मल डोपामाइन की आदत नहीं होती। इसी तरह माइंड उसको मजबूर करता है वही काम करने के लिए और वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़्यादा उसका अडिक्ट होता है, ज़्यादा उस चीज़ का इस्तेमाल करता है, इसी तरह वो ज़्यादा अडिक्ट हो चुका होता है। ऐसे सर्च के बाद पता चला है कि जब आपका ड्रग अडिक्ट होते हैं तो आपके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा, जिसे हम फॉरेंटल लोब कहते हैं, वो सुधरने लगता है। दिमाग का वही हिस्सा है जिससे हम लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। रिसर्च यही कहती है कि ड्रग अडिक्ट ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया अडिक्ट और मोबाइल अडिक्ट भी इसी ही जमरे में आते हैं। मैं आपको बताता चलूँगा,
फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम पढ़ते हैं और हम बोरिंग फील करते हैं, यही वजह है कि हम अपना 5% कॉन्सेंट्रेशन लेवल खो देते हैं। जैसे जैसे हम एडिक्ट होते रहते हैं, डोपामाइन रिलीज होता रहता है, मींस इंक्रीज होता रहता है। तो जो भी नॉर्मल रूटीन के काम है उन कामों में हम बोरिंग फील करते हैं, जबकि हम जिस चीज़ के अडिक्ट हुए होते हैं हम उसी काम को करने के लिए ज़्यादा आदि भी हो जाते हैं और हमें मज़ा भी उसी काम में आता है। हमें अपने नॉर्मल रूटीन के कामों में मज़ा नहीं आता और हम उन कामों में बोरिंग फील करते हैं और फिजिकल में भी बहुत पीछे रह जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। लेवल सिस्टम खराब हो जाएगा और आप बहुत ही बोरिंग फील करेंगे और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। आपका ब्रेन बहुत ही आप छोटी छोटी चीज़ों में, आपका जो माइंड है छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस फील करेगा, क्योंकि आपका माइंड सेंसिटिव हो चुका होता है। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो सकते हैं, सेल्फ स्टीम बंद हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? यस, मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊँगा। बात करते हैं अडिक्ट हुए माइंड को सही कैसे किया जाए, डैमेज हुआ है तो इसे ठीक कैसे करें। मेरे डोपामाइन रिसेप्टर ख़त्म हो चुके हैं तो उसे डोपामाइन की मदद से हम ठीक कर सकते हैं। ये कि डोपामाइन डिटॉक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप भी कहते हैं क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक वीक में एक दिन भी डोपामाइन रिलीज नहीं होने देना और इन चीज़ों से दूर रहना है जो कि डोपामाइन के रिलीज होने का बाइस बनते हैं। तो मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, गेम्स एडिक्शन, ईटीसी, किसी चीज़ के एडिक्शन है जिसकी वजह से आपके माइंड में डोपामाइन केमिकल रिलीज हो सकता है, उन चीज़ों से आपने परहेज करना है। मैं आपको बताता हूँ, आप एक्सरसाइज पे जा सकते हैं, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, आपने मोबाइल अपने पास नहीं रखा, कोशिश करनी है आप रीडिंग करें, बुक्स पढ़ें, खुद को गार्डन में रखें ताकि आप फ्रेश एयर ले सकें। काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप इन चीज़ों को ड्रग, जो आपकी ड्रग एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। करते वक्त अगर आप बोरिंग फील करें तो आप समझे कि आप सही ट्रैक पर मौजूद हैं। खुद को दूर रखने का मकसद हमें खुद को बोर फील करना है। आप अपने माइंड को, आपने अगर अपने दिमाग को बोर करने की आदत डाली तो इसी तरह आप नॉर्मल रूटीन के कामों में भी आपको अच्छी फीलिंग आएगी, कि कंसंट्रेशन पावर भी वक्त के साथ साथ बढ़ने लगेगी, के कामों में आपको सुस्ती नहीं होगी। तो था कि हम एडिक्ट ब्रेन को कैसे ठीक कर सकते हैं, ये बताता हूँ कि इस एडिक्ट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस एडिक्ट को ख़त्म करने का एक लॉ है, सीक आउट द रिप्लेसमेंट एक्टिविटी, को ख़त्म करने का यूनिवर्सल लॉ है, इसको कन्वर्ट कर दें किसी दूसरी हैबिट के साथ। मेक योर सेल्फ फील दैट वॉचिंग सोशल मीडिया एंड नॉट गुड फॉर योर माइंड एंड योर फ्यूचर। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, खुद को किसी चीज़ का इतना एडिक्ट मत बनाएं कि आपके लिए बाद में मुश्किल पेश आए। अच्छी चीज़ों में अपना दिल लगाएं, मीन्स फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, बुक रीडिंग करें, और जो चीज़ें आपके लिए फ्यूचर में आपके काम आ सकती हैं। तो अपना टाइम संभालें, खुद को कामयाब बनाएं, हमें दुआ में याद रखें। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी हमारे चैनल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।